Why do we fall? इस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंसान गिरता क्यों है, इंसान फेल क्यों होता है, इंसान हारता क्यों है। वैसे तो इसके बहुत सारे टर्म्स हैं, बट हारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे एक सिंगल लाइन देंगे इसको समझाने के लिए, व्हाई डू वी फॉल टू राइज अगेन, बेटर देन एवर। हम इसलिए गिरते हैं कि हम फिर से उठ सकें। सूरज रोज गिरता है, रोज उठता है। आप जितने भी नेचर के एग्जांपल लोगे वो एक सर्कल के टाइप में चलते हैं। ये दुनिया इस तरीके से ही भगवान ने बनाई है कि कुछ चीज़ें गिरती हैं उठती हैं, चीज़ें गिरती हैं चीज़ें उठती हैं, और वो हर बार उठ के और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। गिरना गलत नहीं है। अगर आप इंसान गिरेगा नहीं तो कभी संभलना सीखेगा नहीं। इंसान गिरेगा नहीं अपने आप को परख नहीं पाएगा। इंसान गिरेगा नहीं तो अपनी वीकनेस नहीं जान पाएगा। और बिलीव मी, बिना वीकनेस जाने आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। आप उसको बिना वीकनेस को एक्सेप्ट किए आप उसको सुधार नहीं सकते। वीकनेस जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिलीव मी, जिस मैंने अक्सर देखा है जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनकी वीकनेस ही आगे चल के उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। बिकॉज वीकनेस का एक एक कतरा, एक एक ऑटम हमको पता होता है क्या होता है। द वीकनेस, योर टूडेज वीकनेस, आपकी आज की कमजोरी कल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, क्योंकि आपको उसके बारे में हर एक चीज पता है। व्हाई डू वी फॉल? हम जितना गिरते हैं हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को उठा के सही करने की। व्हाई डू वी फॉल? हम जितनी बार गिरते हैं, जितनी बार उठते हैं उतनी बार स्ट्रॉन्ग बनते हैं। Why do we fall? We fall for rise again. अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का मौका मिलता है हमें। अगर हम नहीं गिरेंगे, हम अपने कंफर्ट जोन पे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं अटक के रह जाएंगे। That's the bitter truth. और भगवान ने ये scenario बनाया इस टाइप से कि इंसान को गिरना भी है, संभलना भी है, दोनों चीज़ें साथ। 10 सीढ़ी इंसान गिरता है तो 20 सीढ़ी चढ़ता है, फिर 10 गिरता है, फिर 20 चढ़ता है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अगर आप गिरेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और गिरने के लिए कुछ करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपस में एक साथ जुड़ी हैं, थोड़ी सी ट्रिकी है, बट जीतने के लिए गिरना बहुत जरूरी है। डू नॉट अफ्रेड टू फॉल। ये सोच के अपना समय मत खराब करो कि मैं क्यों गिरता हूं। अपना समय उसमें बनाओ कि मैं अगली बार कितनी जल्दी उठ के खड़ा हूं। कोई बात नहीं, एक बार गिरूंगा, 10 बार गिरूंगा, 100 बार गिरूंगा, 1,000 बार गिरूंगा, 10,000 बार गिरूंगा, 1,00,000 बार गिरूंगा, लेकिन 1,00,000,000 बार खड़ा होकर दिखाऊंगा। That's the spirit. ऐसी spirit होनी चाहिए। एक ही छोटी सी ट्रिक थी, छोटी सी लाइन थी जिसको हमने ब्रेकआउट किया। बहुत ही डीप मीनिंग है इसका। जितना आप अंदर जाएंगे उतना मीनिंग है, बट आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इन फ्यू मिनट्स। मेरे वीडियोज काफी लॉन्ग हो जाते हैं, but still I today try in very short variant to keep on thinking, keep on rocking. Till then, bye.